जादुई मटर की फसल। मोहनपुर गांव में तुकीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी बीवी राधा और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मटर की खेती किया करता था। तुकीराम हर सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता था। खेती से जो कुछ भी फसल होती थी, उसे वह शाम में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। दूसरी तरफ तुकीराम के घर के बगल में कालूराम का घर था। वह एक चरवाहा था। कालूराम के पास दो बकरियां थी, जिससे वह कमाई करता था। कालूराम बड़ा धूर्त और आलसी आदमी था। अपनी आलस की वजह से कालूराम ने अपने खेत को बर्बाद कर दिया था, इसलिए वह तुकीराम की मेहनत से जलता था। तुकीराम के खेत में उगी फसल को देखकर कालूराम को खूब जलन होती थी, इसलिए धूर्त कालूराम हर रात में चुपके से अपनी दोनों बकरियों को उसके खेत में छोड़ आता था। रात भर में बकरियां मटर की फसल को खाकर खराब कर देती थीं। अगली सुबह जब तुकीराम उठकर खेत जाता, तो कुछ ही फसल सही सलामत रहती थी। हे भगवान, हे मोरी फूटी किस्मत, मेरी फसल कौन बर्बाद कर रहा है? तुकीराम बची कुची फसल को ही बाजार लेकर जाता था और उसे बेच देता था। उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देखकर बहुत खुशी होती थी। वो हर रात अपनी बकरियों के लिए चारे का इंतजाम तुकीराम के खेत से ही कर दिया करता था। उस तुकीराम के बच्चे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके मटर कौन खा जाता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। फसल कम होने के कारण तुकीराम की गरीबी बढ़ती जाती है। एक दिन तुकीराम के घर में बस एक दिन का ही राशन बचा है। अगर कल सुबह अच्छी कमाई नहीं हुई तो खाने की भी लाले पड़ जाएंगे। राधा, भगवान जाने हमारे खेत पर किसकी बुरी नजर है। अभी जो कुछ भी है उसे पका लो, कल से मैं कुछ देखता हूँ। इतना सुनकर राधा घर में बचे कुचे राशन से खाना बना देती है। जैसे ही वे सब खाने के लिए बैठते हैं कि तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। तुकीराम उठकर दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है धूल से सनी फटे चिटे कपड़े पहने हुए एक गरीब बुढ़िया वहाँ खड़ी थी। बेटा, एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तुकीराम उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर घर के अंदर आ जाता है और पानी लेकर आता है। बूढ़ी अम्मा पानी पी लेती है। उसके बाद वो कहती है, बेटा अगर तुम्हारे घर में कुछ है तो इस गरीब बुढ़िया को एक सूखी रोटी ही दे दे, भूख से चला भी नहीं जा रहा है। ये सुनकर तुकीराम को उस बुढ़िया पर बहुत दया आती है। वो उस बुढ़िया को प्रेम से अपने घर के अंदर ले आता है और अपने लिए परोसी गई थाली उस बुढ़िया को दे देता है। बूढ़ी अम्मा प्यार से भरपेट खाना खाती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। वह तुकीराम और उसकी पत्नी को खूब आशीर्वाद देकर उस घर से चली जाती है। उधर तुकीराम और उसकी पत्नी भूखे ही रह जाते हैं। तुकीराम कहता है, राधा जो कुछ भी बचा है मुन्ने को भरपेट खिला दो, मैं एक बार खेत देख कर आता हूँ। तुकीराम खेत में जाकर मटर की फसल को एक बार देखाता है। फसल बर्बाद होने के कारण खेत के थोड़े ही हिस्से पर फसल उगी रहती है। वह निराश होकर घर आता है और सो जाता है। अगली सुबह तुकीराम हर रोज की तरह खेत जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है कि खेत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे खेत में मटर की हरी भरी फसल लहराती रहती है। ये देखकर तुकीराम खुशी से उछल पड़ता है। वह खुशी के मारे नाचने लगता है। भगवान, ये तो चमत्कार ही हो गया, ऐसी फसल तो आज तक इस खेत में नहीं उगी। उस दिन वो सारे फसल की कटाई करके उसे बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करता है और घर आ जाता है। दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देखकर भरोसा नहीं होता। वह मन में सोचता है,
अरे मैं तो बकरियां छोड़ आया था, फिर इस तुकीराम की फसल बच कैसे गई? कालूराम तुकीराम की खुशी देख देख कर परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ तुकीराम का खेत हर सुबह अपने आप मटर की फसल से भर जाता है। वह हर रोज मटर बेचकर खूब कमाई करने लगता है। कालूराम हर रोज की तरह रात के अंधेरे में अपनी दोनों बकरियों को तुकीराम के खेत में छोड़ देता है। इसके बाद वह अपने खेत में टहलने लगता है। तभी अचानक से उस खेत के बीच से बहुत तेज रोशनी होती है। उस रोशनी को देखकर कालूराम डर जाता है और थोड़ा पीछे छिपकर देखने लगता है। वह रोशनी धीरे धीरे कम होती है और उस जगह एक सुंदर सी परी आ जाती है। वह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है कि तभी उस छड़ी से गोल गोल मटर के दाने निकलने लगते हैं। वो सभी दाने हवा में उड़ते हुए पूरे खेत में फैल जाते हैं और देखते ही देखते जमीन के अंदर चले जाते हैं। उनकी जगह पर खूब सारे मटर के दानों से भरी लताएं उगाती हैं। उन फसलों के बीच वह परी खुशी से नाचने लगती है। ये सब देखकर कालूराम को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। उसके मन में लालच आ जाता है। वह परी से छिपकर उसकी छड़ी चुराने का मन बना लेता है। परी अपने नाच में मगन थी कि तभी कालूराम खेत के बीचों बीच आ जाता है और वहां रखी जादुई छड़ी को लेने की कोशिश करता है कि तभी वो छड़ी उड़कर परी के हाथ में चली जाती है। कालूराम की हरकत देख परी काफी गुस्से में आ जाती है। वह कालूराम के बारे में जादुई शक्ति से सब जान जाती है। अच्छा, तो वो धूर्त तू ही है जो भोले भाले तुकीराम की फसल बर्बाद करता है? तुझे मैं जादू से पत्थर बना दूंगी। परी मंत्र पढ़कर उसे पत्थर बना देती है। उस रात न जाने तुकीराम भी अपने मटर की फसल की सच्चाई देखने के लिए खेत पहुंचता है। वह परी को ये सब करते हुए देख लेता है। मैंने सब देख लिया है जादुई परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ गरीब के सूने खेत को भरकर मेरे सारे संकट ही दूर कर दिए। पर कालूराम मेरा पड़ोसी है, उसे माफ कर दो, आप उसे पहले जैसा फिर से बना दो। परी तुकीराम के भोलेपन से बहुत खुश हो जाती है। वह कालूराम को पहले जैसा बना देती है। कालूराम अपनी गलती पर पछतावा करते हुए दोनों से माफी मांगता है और अपनी बकरियों को लेकर वहां से चला जाता है। इधर परी अपनी बुढ़िया बनने वाली बात तुकीराम को बताती है और कहती है, तुकीराम तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम दयावान हो, मैं तुम्हें जादुई मटर के दानों से भरी ये पोटली दे रही हूँ। ये कभी खत्म नहीं होगी और इससे तुम मन चाही खेती कर सकते हो। तुकीराम को थैली देकर परी गायब हो जाती है। तुकीराम के जीवन से अब सारे संकट खत्म हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। जादुई लीची का पेड़। एक बार की बात है, मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसको अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बाद वो मुश्किलों से ही गुजारा कर पाता था। वो एक लकड़हारे के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था जो जंगल में जाकर लकड़ियां तो काटता था, लेकिन साथ ही नए पौधे भी लगाता था ताकि कभी भी पेड़ों की आबादी कम ना हो। एक दिन वो अपनी पत्नी मालती से बोलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं मचता। मैं तो सोच रहा हूँ अब बाजार में जाकर कुछ कुछ मजदूरी कर लिया करूँ। आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। एक दिन जंगल में जाते समय मोहन को अजीब सा पेड़ दिखा। अरे ये किस चीज का पेड़ है, मैंने तो इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो पेड़ लीची का था। उसमें चमकीले पत्ते और चमकीले फल थे जो रत्नों की तरह दिखते थे। उसकी सुंदरता से चकित होकर मोहन ने उसमें से एक फल तोड़ लिया।
जैसे ही उसने फल को चबाया, मोहन ने महसूस किया कि ये ना तो केवल स्वादिष्ट था, बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थी। प्रत्येक काटने के साथ उसकी भूख गायब हो गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस कर रहा था। अरे, ये तो बहुत ही अद्भुत फल है। इसे खाते ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ गई है। क्यों ना मैं इन्हें बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मोहन इस पेड़ से बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसे एक कपड़े में बांधकर बाजार ले जाता है। बाजार जाकर वो एक फल वाले के पास जाता है। हरिया भैया, मैं कुछ फल लाया हूँ, आप खरीदोगे क्या? क्यों भाई, जंगल में लकड़ियाँ खत्म हो गई जो आज फल तोड़ ले आया तू? अरे भाई, जंगल में फल दिखाई दिए तो ले आया, तुम खरीदोगे क्या? अच्छा, देखा कौन सा फल लाया है तू? मोहन कपड़े की गठरी खोलता है। अरे, ये तो लीची है। लीची? मैंने तो आज से पहले ये फल कभी खाया ही नहीं था, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चल ठीक है, सीजन की शुरुआत में ही तो इसे ले आया। हरिया मोहन को लीची के पैसे दे देता है और मोहन उस पैसे से घर के लिए राशन का सामान ले जाता है। अच्छा हुआ आप राशन ले आए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे, वो आज जंगल में एक लीची का पेड़ मिल गया था तो वही बाजार में बेच आया, इसलिए आज अच्छे पैसे भी मिल गए। क्या उस पर और भी लीचियां बची हुई है? हाँ, थोड़ी सी लगी होगी, ज्यादातर तो मैंने तोड़ ही ली थी। काश उसकी लीचियां बहुत सारी होती तो हमारी कुछ और दिन अच्छी कमाई हो जाती। और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन जब सुबह उठकर जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उस लीची के पेड़ में बहुत सारी लीचियां लगी हुई थी। अरे, कल तो मैंने ज्यादातर लीचियां तोड़ ली थी, एक ही दिन में इतनी सारी लीचियां कैसे आ गई? और मोहन लीची के पेड़ से लीचियां तोड़ने लगता है। लीची तोड़कर उसका धन्यवाद भी करता है। हे लीची के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार को दो वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मोहन फिर सारी लीचियों को गठरी में बांधता है और उन्हें बाजार ले जाता है और हरिया को जाकर दे देता है। लो हरिया भैया, मैं आज फिर से लीचियां ले आया हूँ। हरिया सोचता है, आज इसे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, इससे सस्ते में खरीदूंगा, ये तो बस जंगल से तोड़कर ही तो लाता है। और हरिया उसे थोड़े पैसे दे देता है। अरे भैया, कल तो आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, आज बस 200 रुपए। अरे, कल की तेरी सारी लीचियां पड़ी पड़ी खराब हो गई, किसी ने भी नहीं खरीदी। मुझे तो कल तेरी वजह से बहुत घाटा हुआ है, अब मैं इनके बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। लेने हैं तो ले लो, वरना अपनी ये लीचियां उठाकर कहीं और बेच दो। नहीं हरिया भैया, ये आप ही रख लो। और मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। आज जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, 200 रुपए में घर कैसे चलेगा? ऐसा सोचकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में वापस आ जाता है। जाते हुए वो रास्ते में देखता है कि उसे वो लीची का पेड़ लीचियों से भरा हुआ मिलता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो मैंने इतनी सारी लीचियां तोड़ी थी, ये इतनी जल्दी इसमें इतनी सारी लीचियां फिर से कहां से आ गई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैं एक जादुई लीची का पेड़ हूँ, मेरी लीचियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, तुम जितनी चाहे लीचियाँ तोड़ सकते हो। तुम बोल सकती हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने अपना घर चलाने के लिए जितने पेड़ काटे हैं, उससे कहीं ज्यादा तुमने पेड़ लगाए हैं। मैं तुम्हारे इन्हीं कर्मों का फल हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, अब से ना हम बाजार में खुद का लीचियों का ठेला लगा लेंगे, क्योंकि बाजार वाले आपसे सस्ते में खरीदकर महंगा बेचते हैं। लेकिन हरिया तो बता रहा था कि उसकी लीचियाँ किसी ने भी नहीं खरीदी। कल मैं बाजार में गई थी तो मैंने देखा कि लोग हरिया से लीचियाँ खरीद रहे थे और वो लीचियाँ भी महंगे दाम पर बेच रहा था।
वो दोनों जंगल में जाते हैं और लीची के पेड़ से लीचियाँ तोड़ लेते हैं। अब वो बाजार में एक ठेली पर लीची बेचने लगते हैं। लीची को देखकर सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ठेली पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी सारी लीचियाँ बिक जाती है। जो भी लोग उससे लीची लेते हैं और खाते हैं, तो वो खुद में एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करते हैं, जिस कारण अब रोज मोहन की ठेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी सफलता देख हरिया को उस पर बहुत ईर्ष्या होती है। इस लकड़हारे की वजह से तो मेरी पूरी दुकानदारी ही खराब हो गई है। मुझे जल्द ही इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन हरिया मोहन के पीछे पीछे जंगल में जाता है और वो लीची का पेड़ देख लेता है। मोहन के जाने के बाद हरिया लीची के पेड़ के पास आता है। तो ये है वो पेड़ जिसने मोहन को मालामाल कर दिया। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ, फिर वो मोहन कभी लीची नहीं बेच पाएगा। और हरिया एक कुल्हाड़ी से उस लीची के पेड़ पर वार करता है। ऐसा करते ही उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को मोहन के घर में पाता है। अरे हरिया भैया, आप ठीक तो हो ना? आपके साथ जंगल में क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए? हरिया मोहन को सारी बात बताता है और अपने किए की माफी मांगता है। फिर वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब मोहन जादुई लीची की वजह से एक अमीर इंसान बन गया था और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है।